हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में iOS 15 से iOS 14 पे कैसे डाउनग्रेड करें इसके बारे में बात करने वाले हैं। चाहे आपने बीटा वर्जन डाउनलोड किया हो, डेवलपर बीटा डाउनलोड किया हो, या आने वाले टाइम में आप पब्लिक बीटा डाउनलोड करेंगे तो भी आज iOS 14.6 वर्जन अभी जो चल रहा है या आने वाला iOS 14.7 हो या 14.8 हो, तो कैसे आप iOS 14.8 पे जा सकते हैं विदाउट एनी डेटा लॉस। ठीक है, आपका जो डेटा है iOS 15 पे जितने भी आपने एप्लीकेशन है या आपकी चैट है या जो भी आपने फोटो कैप्चर कर रखे हैं, विदाउट एनी डेटा लॉस आप iOS 14.6 या जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा, जब भी आप डाउनग्रेड करना चाहेंगे, उस वर्जन पे जाना चाहेंगे, तब आपका डेटा सेम आ सकता है iOS 14.6 या 14.7 पे। ठीक है, तो क्या प्रोसेस है इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपने मोबाइल की सेटिंग में जाके iCloud में जाके आपको फाइंड माई फोन को ऑफ कर देना है। किस समय ऑफ करना होगा वो मैंने वीडियो में बता रखा है, आगे आपको बता दूंगा कहाँ आपको ऑफ करना है, पर फिर भी बता देता हूँ आपको iCloud में जाके फाइंड माई फोन को ऑफ करना रहेगा। ठीक है, अब डाउनग्रेड करने के लिए क्या चीज़ कंपलसरी है मैं आपको बताता हूँ। आपके लिए के पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना कंपलसरी है। ठीक है, आपने मोबाइल के हॉटस्पॉट वगैरह से करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, और एक लैपटॉप का होना जरूरी है और एक डेटा केबल आपका फ़ोन जो डाउनग्रेड करना चाहिए, ये चीज़ें कंपलसरी है। बहुत से लोग कमेंट करेंगे भाई विदाउट कंप्यूटर कैसे होगा, तो उसके बारे में भी वीडियो आने वाली है। बट अभी जो है ये वीडियो जो है iOS 15 से iOS 14 पे विदाउट एनी डेटा लॉस कैसे जाते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो मैं आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ, कैसे क्या प्रोसेस करनी है इसके बारे में मैं वीडियो में आपको बता रहा हूँ, तो आप वहाँ चलिए। ठीक है, तो गाइस आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन पे गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको एक जो वेबसाइट बता रहा हूँ मैं, उसका डिस्क्रिप्शन भी है, वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। IPSW करके आपको सर्च करना है गूगल पर, और जैसे ही पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी IPSW डाउनलोड, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऊपर ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा आइडेंटिफाई माई डिवाइस, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपका मॉडल नंबर जो भी है वो एंटर करना रहेगा। मॉडल नंबर A से स्टार्ट होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं छोटा सा क्लिप वीडियो के नीचे यहाँ एंड में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ मोबाइल जो मॉडल नंबर है वो एंटर करना रहेगा, और आपको कहाँ मिलेगा वो भी बता दो। आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको जनरल में जाना है, और जनरल में जाने के बाद अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ मॉडल नंबर मिलेगा। अगर मॉडल नंबर A से स्टार्ट नहीं हो रहा तो उस पर क्लिक कर लेना, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जिस प्रकार से आपका मॉडल नंबर लिखा हुआ है वो आपको टाइप कर लेना है, जैसा मेरा 1688 iPhone 6s का है, तो यहाँ से क्लिक करूँगा तो बिल्कुल यहाँ पे iPhone 6s शो हो जाएगा और आपकी जो फाइल है वो शो हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ ऊपर चूज IPSW फाइल iPhone 6s यहाँ पे दिख रहा है, और इसका जो वर्जन है iOS 14.6 जो है वो हमें डाउनलोड करने के लिए बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें डाउनलोड करना रहेगा। अगर iOS 14.7 होगा तो 14.7 बताएगा, 14.8 होगा तो 14.8, आगे वाले जितने भी सॉफ्टवेयर अपडेट आएंगे लेटेस्ट तो वो यहाँ बताएगा। ये नीचे के कोई भी सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये हमने फाइनली डाउनलोड करके रखा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद आपको iTunes ओपन करना है। iTunes कैसे डाउनलोड होगा उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। गूगल में जाके आप क्रोम ब्राउजर में iTunes डाउनलोड करोगे तो वहाँ से बिल्कुल iTunes डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही iTunes ओपन होगा आपका, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने डिवाइस को कनेक्ट करना है लैपटॉप से और डेटा केबल से। डिवाइस को आपको कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको iOS 15 का बैकअप लेना रहेगा अपने डिवाइस पे। ठीक है, ट्रस्ट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको पासवर्ड एंटर करना रहेगा जो भी आपका पासवर्ड है, और यहाँ से आप कंटिन्यू कर लेना, और से फुल स्क्रीन कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पे आपका डिवाइस शो हो जाएगा। जैसे ही एक्सेस मिलता है उसे पासवर्ड एंटर कर लेते हैं आप, तो यहाँ पे क्लिक करना है अपने डिवाइस पे। यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल मैं यहाँ माउस का कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो एक बार इसे आपको एक बार कंटिन्यू कर लेना है, कैड स्टार्ट पे क्लिक कर लेते हैं अगर आपको शो हो रहा हो तो। ठीक है, अब क्या करना है, आपका यहाँ शो हो रहा है। अब आपको iOS 15 जो भी आपका मोबाइल के अंदर डेटा है, iOS 15 का बीटा वर्जन आपने डाउनलोड कर रखा है, उस डिवाइस का आपको बैकअप लेना है। बैकअप लेने से पहले आपको बता देता हूँ मैं, तो आपका अगर कोई प्रीवियस बैकअप ले रखा है iOS 14 वर्जन पे तो ये बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बैकअप रिस्टोर हो जाएगा। बट आपने बैकअप नहीं ले रखा है तो आपको बैकअप लेना कंपलसरी है। ठीक है, तो iOS 15 पे बैकअप लेने के लिए क्या करोगे, आपको यहाँ दिस कंप्यूटर पे सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको बैकअप नाउ पे क्लिक करना है।
जैसे ही आपका जो भी डेटा होगा वो iOS 15 पे, मतलब जितना भी iOS 15 पे आपका डेटा है, एप्लीकेशन है, व्हाट्सअप वगैरह है, जो भी है, पूरा बैकअप हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहले आपको क्या है, बैकअप लेना है। तो देख सकते हैं हमारा बैकअप हो रहा है अभी भी, और टाइम लगेगा इसके लिए। तो फाइनली हमने बैकअप ले लिया। अगर आपको चेक करना है बैकअप कहाँ है, तो वहाँ आपको आपको एडिट में जाना है और प्रेफरेंसेस में क्लिक करना है, और यहाँ देख सकते हैं आईफोन 6s टुडे फर्स्ट में हमारा बैकअप शो हो रहा है। तो देख सकते हैं हमने बैकअप ले लिया, टुडे 2:10 बज रही है, ठीक है। तो ये बैकअप आपका रेडी हो गया, ठीक है। क्या करना है, जो भी बैकअप आपने किया है उसको एडिट करना रहेगा। एडिट करने के लिए आपको विंडो प्लस R दबाना है आपको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये विंडो लैपटॉप के लिए बता रहा हूँ मैं, मैकबुक वगैरह के लिए नहीं है। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज एप डेटा परसेंटेज टाइप करना है और आपको ओके करना है, ठीक है। जैसे ही आप ओपन करोगे आपका बैकअप हो जाएगा यहाँ से, और एप्पल कंप्यूटर पे क्लिक करना है। एप्पल कंप्यूटर पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ मोबाइल साइट दिखेगा, इसे क्लिक करना है और बैकअप पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब आप बैकअप देख लीजिए, ये सब बैकअप मैंने ले रखे हैं, तो मुझे देखना पड़ेगा कौन सा बैकअप आज लिया हुआ है। तो फाइनली मैं देख लेता हूँ अभी, आज ही मेरा बैकअप ले रखा है, 2:10 पर फाइनली मैंने बैकअप लिया था। अब इस बैकअप को ओपन करना है आपको, और यहाँ आपको जाना है नीचे इन्फो पे, ठीक है। इसको आपको ओपन करना है नोटपैड में। जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ आपने को डिफॉल्ट कर रखा है तो आप नोटपैड में ओपन कर लोगे, इजी रहेगा इसके लिए। और यहाँ से आप क्लिक कर लेंगे ओपन विथ पे क्लिक करना है, और यहाँ नोटपैड पे आपको क्लिक करना है। तो गाइस फाइनली जैसे ही आपने जो बैकअप है वो नोटपैड में ओपन कर लिया, आपको कंट्रोल प्लस एफ यहाँ पे प्रेस करना है। और जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है। अगर आपके यहाँ लिखा हुआ नहीं है नहीं आएगा, आपको प्रोडक्ट लिखना है। मैंने ऐसे डाउनग्रेड कर रखा है इसलिए यहाँ ऑप्शन हर चीज़ शो हो रही है। आपको प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है, और जो भी स्लाइड है आपकी सो ओपन कर लेना है, यानी फुल स्क्रीन कर लेना है जो भी। अब इसे आपको प्रोडक्ट पे फाइंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। पहला स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ प्रोडक्ट लिखा हुआ आ गया, हमें एक बार और करना है, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ दो बार प्रोडक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 15 लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे 15 लिखा हुआ आ रहा है। तो हमने 15 पे बैकअप लिया था, अब इसको क्या करना है, इस 15 को आप देख सकते हैं यहाँ 14 कर रहा हूँ मैं, 14.0 हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पे आपको कैंसिल करना है और इसको वापस सेव करना है, ठीक है। अब हमारा बैकअप रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है, वापस से आपको iTunes को ओपन करना है, ठीक है। iTunes को ओपन करने के बाद आपको अब क्या करना है, आपके आईफोन के अंदर आपको iCloud में जाना है और फाइंड माई फोन को ऑफ करना है। कैसे करना रहेगा वो बता देता हूँ आपको। अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपकी प्रोफाइल आपको शो हो रही होगी, और वहाँ पे आपको जाना है फाइंड माई फोन। जैसे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, फाइंड माई फोन को आपको ऑफ करना है, और पासवर्ड यहाँ पे आपसे पूछेगा, जो भी आपके आईडी का पासवर्ड है वो आपको एंटर करना रहेगा। यहाँ से आप एंटर करोगे तो इजीली हो जाएगा, और फाइंड माई फोन का आपको ईमेल भी बंद किया आपने वो ईमेल भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रीस्टोर का ऑप्शन दिख रहा है, रीस्टोर पे क्लिक करोगे तो सीधा आपका फोन रीस्टोर होने लग जाएगा। बट आपको जो फाइल आपने डाउनलोड की है, ठीक है, आईफोन 6s की जो हमने 14.6 की जो हमने फाइल डाउनलोड की है, उसके लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट प्लस लेफ्ट की प्रेस करनी है, ठीक है। शिफ्ट प्लस लेफ्ट की क्या है वो मैं आपको वीडियो के नीचे देख सकते हैं, छोटे से आपको फॉर्मेट में दिखाई दे रहा हूँ अपने कंप्यूटर लैपटॉप का कीबोर्ड, शिफ्ट प्लस लेफ्ट की क्या होता है, ठीक है, की प्रेस करनी है। करने के बाद आपका जो भी डाउनलोड किया था वो फोल्डर डाउनलोड के अंदर खुल जाएगा, तो आपको उसके बाद ये फाइल सेलेक्ट करनी रहेगी, ठीक है। देख सकते हैं बिल्कुल मैं कर्सर से बता रहा हूँ, ये हमने जो फाइल डाउनलोड की यहाँ पे पड़ी हुई है। अब इसे आपको क्लिक करना है, और मोबाइल डाटा केबल से हटाना नहीं है आपको, फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है। लैपटॉप में फुल चार्जिंग नहीं है तो चार्जिंग पे लगा के करना, ठीक है। तो ये फाइल हमने यहाँ से ओपन कर ली, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे रीस्टोर करना है, तो एग्जैक्टली आपका देख सकते हैं iOS 14.6 वर्जन है जो आपके डिवाइस पर आ जाएगा। बिल्कुल ये पूरी प्रोसेस रहेगी, इसके बीच में आपको डाटा केबल से या मूव हटाना नहीं है आपकी केबल को, ठीक है। इजीली प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना है, स्टेप बाय हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो एडिशनली मैं छोटा सा वीडियो क्लिप है वो एंड यहाँ देखना स्क्रीन के वीडियो के फॉर्मेट के नीचे मैं लगा दूंगा, जो समझ में नहीं है। अगर ये समझ में नहीं आता तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं, ईजी प्रोसेस है, ज़्यादा कोई हार्ड प्रोसेस नहीं, और इसके लिए टाइम लगेगा, अभी एटलीस्ट 10 मिनट लग सकते हैं।
ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होने के बाद आपका फ़ोन रिबूट होगा, फ़ोन स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको क्या करना है वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। अब आपको अप्लाई पे क्लिक करना रहेगा, फिर आपको यहाँ रिस्टोर पे क्लिक करना रहेगा, और कुछ भी नहीं करना है आपको, डेटा केबल से हटाना नहीं है फ़ोन, चाहे आपका इस प्रकार से भी आ जाए तो भी, ठीक है। तो गाइज हमारा यहाँ न्यू सेटअप आ चुका है, आपके सामने देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको मैं बता रहा हूँ। अब इसे आपको यहाँ से सेटअप करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी हम एक बार डेटा केबल से लगा के देखते हैं, यहीं से डाटा रिस्टोर हो सकता है तो यहीं से कर लेंगे हम। और आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना रहेगा। तो गाइस देख सकते हैं, अगर आप यहाँ से भी कर सकते हो, और अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे लैपटॉप की स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आपको रिस्टोर, मैं आपको कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पे बैकअप है, बहुत सारे बैकअप है। तो मेरा आईफोन 6s का बैकअप था, तो मैं इसे कंटिन्यू कर लेता हूँ यहाँ से स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं, और यहाँ आप कंटिन्यू करना है, और आप देख सकते हैं आपकी फ़ोन की स्क्रीन पे भी आपको रिस्टोर प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो अब डिपेंड करता है कितना डेटा है, अगर आपके फ़ोन का डेटा ज़्यादा होगा तो एटलीस्ट 30 मिनट, 20 मिनट, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, घंटा भी लग सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपका फ़ोन के अंदर कितना स्टोरेज था। अब मेरे फ़ोन के अंदर ज़्यादा कुछ भी स्टोरेज इसके अंदर नहीं था, सेकेंडरी फ़ोन था, तो ये स्पीडली हो जाएगा, देख सकते हैं टाइमिंग बता रहा है लेस देन ए मिनट, तो इसके अंदर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको प्रोसेस करना है, बाकी कुछ भी नहीं है, जो भी डेटा था वो आ जाएगा बिल्कुल। और इसके अंदर मैं आपको iOS 14.6 का वर्जन भी बताने वाला हूँ फाइनली, देख सकते हैं अभी। तो इसको प्रोसेस होने देते हैं एक बार, और उसके बाद आपको फ़ोन के अंदर क्या कुछ करने को देखने को मिलेगा वो भी बताने वाला हूँ मैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो एक दो मिनट हो, ये फाइनली हमारा हो चुका है, 5 सेकंड बता रहा है, आप देख सकते हैं। अब आप चाहो तो अपना फ़ोन डेटा केबल से डिसकनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस फाइनली आपको अपना फ़ोन रिबूट होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्टोर कंप्लीट का ऑप्शन आएगा, इसे आपको कंटिन्यू करना है इस प्रकार से। और अगर आप टच आईडी लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं तो मैंने नहीं लगा था इसके अंदर। तो पासवर्ड एंटर करना चाहो तो कर सकते हो, जो आपका पासवर्ड था, या आप नया पासवर्ड लगाना चाहते हो। मैं जल्दी से सेटअप विदाउट कर लेता हूँ, डोंट यूज़ पासकोड। और आपका जो आईडी का पासवर्ड था वो यहाँ पे आपको एंटर करना रहेगा। आपको iOS 15 का ही वॉलपेपर देखने को मिलेगा, बट ये नहीं है कि आपका फ़ोन जो है iOS 15 पे, iOS 14 पे नहीं आया, तो आपको यहाँ चेक करना है, आपके मोबाइल की सेटिंग में जाना है, और जनरल और अबाउट के अंदर मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ, सॉफ्टवेयर वर्जन देख सकते हैं iOS 14.6 है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको प्रोसेस करना है, इजीली प्रोसेस है। तो गाइस मैंने पूरी वीडियो के अंदर आपको इस वीडियो के अंदर पूरी प्रोसेस बता दी है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई इश्यू है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, जो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ मैं आपको लिंक दे रहा हूँ मेरा इंस्टाग्राम का, वहाँ आप फॉलो करके मुझे DM कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो और लैपटॉप हो अच्छा स्क्रीन शेयर करके, तो आप भले DM करना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, अगर नहीं हो रहा है, ठीक है। बट एक दिन में एक या दो जने की हेल्प कर दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।